जी को सुने, उनके बारे में दो लाइनें कहना चाहता हूं। गरीब मरता है, भोला किसान मरता है। शांत हो जाओ। जब कह भोला किसान मरता है, गरीब मरता है, चैन अमन और सुकून का निशान मरता है। न जात न पात न मजहब की मौत आती है, न जात न पात मजहब की मौत आती है। हर एक दंगे में प्यारे हिंदुस्तान मरता है, हिंदुस्तान मरता है। आए प्रत्याशी मदन सिंह गौतम जी। साथियों, आज इस चुनावी सभा को अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथी नेतागण और माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं औरैया विधानसभा में औरैया विधानसभा की जनता की तरफ से मैं हृदय की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं नारा लगाऊंगा, आप जोरदार ताकत से नारा लगाना, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। साथियों, थोड़े से समय में मैं पूरी क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूं और नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि थोड़े से समय में, मात्र 3 दिन के समय में आप लोग इतनी भारी जनसंख्या में आए और आपने ये कह के दिखा दिया कि औरैया विधानसभा में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और कोई दूसरा दल नहीं जीतेगा, ये साबित कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, ये कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है कि अपनी पोलवों पर ये हर बूथ को जिता के पहुंचाएंगे। आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, ये जनता आप लोग बताएं, अपने अपने बूथ से जिताएंगे। तो साथियों, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत कीमती समय है, मैं पुनः फिर पूरे क्षेत्र की जनता को और माननीय मुख्यमंत्री को हृदय में बधाई देता हूं और 19 तारीख को साइकिल वाली बटन दबाकर विधानसभा को जिता देना। और माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 2019 में पूरे देश और प्रदेश की निगाह लगी हुई है कि माननीय अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक। और देखिए, आपकी इच्छा के अनुरूप मैं इस प्रदेश के विकास पुरुष के रूप में विख्यात माननीय अखिलेश जी से अर्ज कर रहा हूं। इससे पहले दो शब्द मैं जन समुदाय की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तारों से कह दो कि आकाश में रहे और परिंदों से कह दो कि अपने आवास में रहे। हम उस पेड़ के पत्ते नहीं जो टूट के गिर जाए। इन फरेबी लोगों से कह दो कि अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे। इस चुनावी सभा के अध्यक्ष कर रहे सत्येंद्र गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विधायक मदन गौतम जी, मंच पर उपस्थित विदेश शुक्ला जी, स्वर्णभूषण शर्मा जी, अनूप गुप्ता जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान जी, संचालन कर रहे आदरणीय ओझा जी, आदरणीय सूबेदार सिंह राजपूत जी और उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो हमारे मंच पर हैं, दूसरे मंच पे दिखाई दे रहे हैं तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता, और जो सामने दिखाई दे रहे हैं सभी हमारे समाजवादी साथी, किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले
आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए। मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि ये सरकार बनाने वाला चुनाव है, इसमें हमारे प्रत्याशी चुनाव चिन्ह साइकिल मदन गौतम जी को अच्छे वोटों से जिता करके भेज देना। जहां तक सवाल सरकार का है, सरकार ने लगातार काम किया है और अगर आपका आशीर्वाद और मिल जाएगा तो आने वाले समय में इससे ज़्यादा काम करके समाजवादी सरकार आपके बीच में दिखाएगी। हम ये कहते हैं कि चुनाव के समय हमें और आपको आकलन करने का मौका मिलता है। जब चुनाव होता है तो तमाम राजनीतिक दलों के जो सरकारें रही हैं उनका आकलन करने का मौका मिलता है कि किस सरकार ने जनता के लिए ज़्यादा काम किया है। और मैं समझता हूँ और मुझे भरोसा है कि जिस समय जनता आकलन करेगी कि किस सरकार ने जनता के लिए, गरीबों के लिए ज़्यादा काम किया है, उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। आपने ये भी देखा कि लोकतंत्र में कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है और वोट पा जाता है। हमें और आपको कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे और बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने हर तरह के दिन देख लिए। सर्दी वाले दिन तो अभी चले गए हैं, कोहरा भी चला गया, पहले गर्मी बरसात सब देख लिए। बताओ किसी ने अच्छे दिन देखे हो तो बता दो। ये अच्छे दिन वालों ने हमारा, आपका और जनता को गुमराह करके समर्थन ले लिया और कितने लोकसभा के सांसद जीत गए, 70 से ज्यादा लोकसभा के सांसद उत्तर प्रदेश से जीत के चले गए। ये प्रधानमंत्री भी जीत के चले गए उत्तर प्रदेश से। और बताइए, अब तो बजट चौथा चला गया। अभी जो बजट आया था, देश का इतना बड़ा बजट, कई सौ अरब करोड़ जाने कितने पैसों का बजट अभी पेश हुआ है लोकसभा में। बताएं हमारे किसान, उनको क्या मिला, या गरीब बताएं उन्हें क्या मिला। हमारी माताओं बहनों के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इन माताओं बहनों का भी लाभ पहुंच सकता। केवल दूसरी बातें कहना और फिर एक देश को अच्छे दिन के बहाने हमें और आपको सबको लाइन में खड़ा कर दिया। और यह तो शहर है, यहाँ तो बैंकें ब्रांचें बहुत रही होंगी, सब बैंकें यहाँ होंगी और अय्या में लगभग ब्रांचें भी होंगी सबकी, एक आध एटीएम भी होगी। बताओ सब पे लाइन लगी कि नहीं लगी, और इस बार फिर लाइन लगाना है आपको इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। अभी तो परेशान किया लाइन में लगा दिया सबको। और बताओ आपके मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसा, आपने कठिन परिश्रम करके पैसा कमाया, किसान भाइयों ने अपनी फसल का जैसे तैसे ईमानदारी से कमाया और उसको भी सरकार ने कह दिया ये काला धन है, कह दिया ये भ्रष्टाचार वाला पैसा है, इतना बड़ा धोखा दिया हमारे से, हमें और आपको। हम तो जानना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, ये बताओ अब तो पैसा सब आ गया आपके पास, किसी के पास 500,000 रुपया है पुराना वाला बताओ, किसी के पास पैसा नहीं बचा, ये अब तो सब बीजेपी वालों के पास पहुंच गया, अब तो बैंकों में पहुंच गया, अब तो सब बैंकों में पहुंच गया।
हमें बताओ कि इसमें काला धन कितना था। हम जानना चाहते हैं सब पैसा आपके पास जमा हो गया, इसमें भ्रष्टाचार वाला पैसा कितना था। याद रखना साथियों, ये पैसा काला सफेद नहीं होता, पैसा नहीं होता काला सफेद, ये हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर किसी ने काला धन दिया और किसी ने टैक्स दे दिया उस पर, तो उसके लिए सफेद पैसा हो गया। किसी ने सफेद पैसा लिया, ईमानदारी का पैसा लेकर के उस पर टैक्स नहीं दिया, तो वो काला धन हो गया। इसलिए पैसा काला सफेद नहीं होता, याद रखना, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और राजनीति में सबसे ज्यादा काला काम किसने किया ये बताओ, आप जानते हो? और लाइन में लग करके लोगों की जान तक चली गई, बोलो लोगों की जान गई कि नहीं गई लाइन में लग कर। पूरे देश में जितने लोगों की भी जान गई, एक भी अमीर आदमी नहीं था, सब गरीब आदमी बेचारा अपना पैसा लेने गया, बदलवाने गया, उसकी जान चली गई। सोचो उन पे क्या गुजरी होगी, जो रात में जल्दी सो गए होंगे उन्हें पता लगा होगा सवेरे, रात में सो गए कुछ लोग जल्दी, रात में जल्दी सो गए। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, अगर राजनीति में और सभा में अगर मंच टूट जाए तो उससे शुभ कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन चोट ना लगे किसी को, अगर चोट लगे तो 108 एम्बुलेंस तुरंत मंगला लो। आया कोई चोट खाया हो तो 108 एम्बुलेंस आया, सब ठीक है, स्वस्थ हैं, किसी को गड़बड़ नहीं हुआ, सब स्वस्थ हैं। इसलिए लाइन में लगे बेचारे, उनकी जान चली गई। लाइन में लगने वालों की मदद केंद्र सरकार ने कोई एक रुपए तक की नहीं की। अगर मरने वालों की किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनको 2-2 लाख रुपए देने दे करके उनकी मदद करने का काम किया। आपने वो भी खबर पढ़ी होगी, आपने वो भी खबर पढ़ी होगी कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का जन्म हो गया। जब बच्चे ने जन्म ले लिया लाइन में लगे लगे, और वो परिवार, वो बच्चा बहुत दूर का नहीं, आपके पड़ोस का ही है, मैंने जानकारी, बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया था। मैंने उससे पता करवाया कि आखिर ये कौन है, जिस परिवार का बच्चा जन्म ले लिया वहां पे बैंक में, मैंने जानकारी करवाई ये कौन परिवार का है। उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार का वो बच्चा था। मैंने उसकी माँ को बुलाया था लखनऊ, और जब माँ को बुलाया वहां, तो बेचारी माँ वो 1 महीने का वो अपना बच्चा जो खजांची था उसको लेकर के आई। हमने उसी दिन उसको 2 लाख रुपए सरकार से मदद करने का काम किया, और उस महिला को समाजवादी पेंशन से भी जोड़ने का काम किया। तो बताओ कौन मदद कर रहा है? 108 102 एम्बुलेंस पे आपको भरोसा है कि नहीं है? और अब पुलिस के लिए भी एक नया शुरू कर दिया है, 100 नंबर, दिन में रात में जब कभी चाहो फोन मिला लेना, फोन उठेगा और घटना स्थल पे 10 या 15 मिनट में पुलिस पहुंचने का काम करेगी। ये इंतजाम किया है सरकार ने। हम तो जानते हैं यहाँ जहाँ प्रधान या गांव वाले हमारे साथी बैठे होंगे, पूरे गांव की राजनीति, प्रधान जी की राजनीति कोटा वितरण पे चलती है, और पेंशन बनाना और पेंशन काटने पे चलती पूरी राजनीति। इसलिए हमने तय किया है कि अगर हमारी जनता को एम्बुलेंस पर 100 नंबर पे भरोसा हो गया है, तो आने वाले समय में गरीबों को वितरण कैसे कर सकें, कोटे वाले मामले को भी ठीक करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और साथ ही साथ कोई गरीब महिला
नहीं बचेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ने का काम करें, समाजवादी पेंशन देंगे। और अभी तो विकलांग को अलग तरीके से पेंशन मिलती है, विधवा को अलग तरीके की पेंशन मिलती है, समाजवादी पेंशन में 500 रुपया मिलता है। हम आने वाले समय में पेंशन जिन महिलाओं को नहीं मिल रही गरीब, उनको भी पेंशन देंगे और 1000 रुपये पेंशन 1 करोड़ लोगों को करने का देने का काम समाजवादी करेंगे। स्कूल, प्राइमरी स्कूल, उसकी पढ़ाई अच्छी हो, शिक्षक का इंतजाम करेंगे, और नहीं तो उसकी पढ़ाई का इंतजाम बेहतर कैसे हो अगर हमें अलग से कंप्यूटर लगा करके, स्क्रीन लगा करके अच्छे टीचरों का पढ़ाने के तरीके को रिकॉर्ड करके भी दिखाना पड़ा, तो वो भी हम प्राइमरी स्कूल में करेंगे, जिससे हमारे गरीब लोगों के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकें। अभी कपड़े दिए हैं, अभी तो खाकी ड्रेस का इंतजाम किया है बच्चों को, और बर्तन दिए, प्लेट और गिलास मिलना शुरू हो गया प्राइमरी स्कूल में, हमने दिया अपनी तरफ से, बैग भी दे दिया, हफ्ते में एक दिन दूध, हफ्ते में एक दिन फल भी देना शुरू कर दिया है, और आने वाले समय में तय किया है कि 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी उन बच्चों को देने का काम करेंगे। और ये इंतजाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे गरीब के भी बच्चे स्वस्थ हों। हमारा गरीब, हमें याद है बुंदेलखंड में हम समाजवादी पैकेट बांटने गए थे, सूखा के समय पे हमने गरीब से पूछा कि इस पैकेट में घी है, बताओ घी कितने दिन चलाओगे। उस गरीब से जब पूछा तो बहुत शर्मा करके और बहुत संकोच के बाद उसने बताया कि ये घी हमारा 2-2.5 महीना चल जाएगा 1 लीटर। मैंने उससे कहा कि हम तो हर महीने आपको दे रहे हैं, ये घी को खाओ तुम जितना खा सकते हो 1 महीने में, लेकिन सोचिए हमारा गरीब इतना ना समझ होता है कि अपने घी पे भी वो कंजूसी करने का काम करता है। इसलिए गरीब को स्वस्थ रखने के लिए और आने वाली पीढ़ी जो हमारी है कम से कम स्वस्थ दिखाई दे। जो संपन्न लोग हैं उनके तो और स्कूलों में पढ़ने लगे हैं बच्चे, जो गांव के सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे हैं वो हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए उसका भी इंतजाम आने वाले समय में बेहतर करने का काम करेंगे। साथ ही साथ अगर महिलाओं को समाजवादी पेंशन देंगे तो खाना जल्दी बन जाए, उसके लिए एक प्रेशर कुकर भी देने का काम करेंगे। अभी तो प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा आपने, आपने कहा प्रधानमंत्री कह दिए कि ये जो पैसा बंद हो गया है अब मोबाइल से बैंक चला लेना। बताओ कहा था कि नहीं कहा था? अब बताओ, हमारे नौजवान तो उसमें गाना सुनते हैं और थोड़ा बहुत मोबाइल चलाते हैं, देखते फिरते हैं। बताओ मोबाइल पे गाने ही तो सुन रहे हो और क्या कर रहे हो? बैंक कैसे चलाओगे, उसके लिए इंतजाम क्या है? हमने कहा ये बताओ, अगर मोबाइल से बैंक चल सकती है तो समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप भी गांव गांव बांट करके दिखा दिए थे, कम से कम उसी पे बैंक चला दो, हम देख लेंगे आपको। और फिर सोचो सब कुछ अगर मोबाइल पे चलने लगा, अगर मोबाइल पे चलने लगा तो शादी होगी, शादी होने पर जो नाई और पंडित जी आएंगे उन्हें पैसा कैसे दोगे ये बताओ पहले आप? उन्हें भी एक मशीन लेके चलना पड़ेगा तभी उन्हें मिल पाएगा कुछ पैसा, वरना नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये तमाम चीजें ये बीजेपी के लोगों ने कर दिया। अभी सुना हमने मेरठ में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्कैम है, इनसे बचाना है, कि उत्तर प्रदेश को स्कैम से बचाना है। स्कैम में नाम ले दिया कांग्रेस का, हमारा और हमारी बुआ जी का नाम भी लिख दिया, क्या स्टेट को उन्होंने कहा स्कैम से बचाना है, और क्योंकि प्रधानमंत्री हैं,
प्रधानमंत्री हैं तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। हमने नहीं, प्रेस के वाले जो जानते हैं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को स्कैम से बचाना है, और हम तो कहते हैं इस देश को भी स्कैम से बचाना है। और हमारा स्कैम का, उनका स्कैम का मतलब है कांग्रेस, अखिलेश और मायावती जी। तो मायावती तो हमारी बुआ हैं, वो तो आपके लिए वोट मांगने गई थी गुजरात में। पता कर लेना क्या बुआ हमारी वोट मांगने गई थी कि नहीं गई थी। और अगर उनका स्कैम है तो हम भी स्कैम को कहते हैं। क्या इस देश को बचाना है, ये देश को हमें बचाना है। और ए और एम से जिनके नाम आते हैं उनसे बचाना है। वी हैव टू सेव द कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी साहब। अगर आपके स्कैम का मतलब है हम और कांग्रेस, तो हमारे स्कैम का भी मतलब है आपसे और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे देश को बचाना है। क्योंकि आपने पलायन के सवाल पर न जाने कितने लोगों को परेशान करने की कोशिश की। जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो जानते होंगे, प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने भी तो राजनीतिक पलायन किया है। क्योंकि राजनीतिक पलायन का मतलब है कि गुजरात से शायद प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। उन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश में अगर हम राजनीति शुरू करेंगे तो शायद यहां से मौका मिल जाएगा। तो राजनीतिक पलायन तो आपने भी किया है, गुजरात से और उत्तर प्रदेश में आने का काम किया है। इससे देश को गुमराह करना छोड़िए। आपने गरीबों के लिए कहा कि हम 15 लाख रुपए अकाउंट में पहुंचा देंगे। अब तो इन गरीबों का, हमारा, आपका सब पैसा आपके पास जमा है। कम से कम 15 लाख नहीं, 15,000 ही हमारे अकाउंट में पहुंचा देते। और फिर ये जो नया नोट आया है 2,000 रुपया वाला, अरे कम से कम हम साइकिल वालों से पूछ लेते तो अच्छा बता देते कि कैसा छपवाना है तुम्हें। ये 2,000 का नोट बिल्कुल चूर्ण की तरह छाप दिया इन्होंने। और फिर हमारे समझौते की बात जो कांग्रेस से है, हम तो समाजवादी लोग जब खुश होते हैं, जोश में आ जाते हैं, साइकिल चलानी पड़ती है तो कभी कभी हैंडल छोड़ कर भी पैडल मार करके हम लोग साइकिल तेज चलाते हैं। और अब तो कांग्रेस का साथ आ गया हमारे साथ, हैंडल पे हाथ लग गया तो सोचो साइकिल कितनी तेज चलेगी। आप अभी तक तो लोगों को लगता था सरकार बनेगी, अब तो पूरा पक्का हो गया एकदम ठप्पा मार के कि हाँ समाजवादियों की सरकार बनेगी। लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादियों ने कांग्रेस पार्टी को सीटें ज्यादा दे दी। अरे हम समाजवादी लोग तो बड़े दिल वाले हैं, इसलिए हमने 100 से ज्यादा सीटें दे दी। और दोस्ती तभी पक्की होती है जब दिल बड़ा हो। और अगर कहीं किसी से कंजूस वाले से दोस्ती हो गई तो सब सपने आपके डूब जाएंगे, कोई सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए अब तो कांग्रेस भी आपके साथ है और गठबंधन साथ है। जो कंफ्यूजन था, जो लोगों के अंदर कंफ्यूजन था कि सरकार नहीं बन रही, कम से कम उस कंफ्यूजन ने दूर कर दिया आपका और सरकार आपकी बनने जा रही है। हमने तो अखबार में पढ़ा है। और ये वालों, और ये वालों, हमारा विशेष निवेदन आपसे है, हमने अखबार में पढ़ा कि जो औरैया से जीतता वही सरकार बनाता है। अब पता नहीं सच है कि नहीं है, तो ये बताओ इतना देर हमें क्यों बताया, ये बताओ पहले तो। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि चाहे सड़क हो, बिजली का इंतजाम हो, और विकास करने के लिए इटावा में भी कर दिया आपकी RCC रोड फफून से और यह जुड़ने वाली है, उधर भी सड़क बन गई, सब स्टेशन बनाए, बिजली का इंतजाम बेहतर किया, और बेहतर करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बिजली का इंतजाम और बेहतर करेंगे। जो सुविधाएं हम इटावा में दे रहे हैं या कन्नौज में दे रहे हैं, अब ये अपना औरैया समझ करके इसको सुविधा देने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। और अगर हमें जिस तरीके से कन्नौज की हमने बिजली अंडरग्राउंड कर दी है, क्योंकि आंधी आए, तूफान आए, बिजली नहीं जानी चाहिए,
बहुत से शहरों में, लगभग 35 शहरों में हमने काम शुरू किया है। आने वाले समय में औरैया में भी आपके शहर की बिजली के तार अंदर करके 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही गांव में भी अभी तो आ रही होगी 14 घंटे 16 घंटे, आने वाले समय में हम 24 घंटे बिजली गांव में भी देने का काम करेंगे। इसलिए मदन गौतम से जो कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, छोड़िए, अब इनको माफ करिए। इनकी गलती से सजा हमें मिल सकती है। बड़ी मुश्किल से तो साइकिल बची है, कितनी हमारे समाजवादी साथी जानते होंगे, एक समय लगा कि साइकिल गई हमारे हाथ से, लेकिन अब तो साइकिल मिल गई आपकी, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से साइकिल मिल गई। और अगर साइकिल मिल गई हो तो इनकी मदन गौतम की जरूर मदद करना। हम तो अपने सब नेताओं से कहेंगे, आज आदरणीय कमलेश पाठक जी नहीं है मंच पर, लेकिन हम उनसे भी कहेंगे कि औरैया को हमारी मदद करिए और जिताइए इन्हें, जिससे सरकार आपकी बन सके, दोबारा एक बार शानदार सरकार बने। और इस बार सरकार बनेगी तो विकास में आप लोगों को पीछे नहीं रखेंगे, तमाम योजनाओं से आपको जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए जो कोई बात हो गई उसको गलती माफ करिए, इनकी गलती हो तो हमें सजा मत देना, ये सरकार हम बनाना चाहते हैं। इसलिए ये समझना, ये हैं तो मनोहर गौतम लेकिन चुनाव हम ही लड़ रहे हैं। जो वादे करेंगे उनको पूरा करने का काम हम नौजवान साथियों करेंगे। आने वाले समय में नौकरी और रोजगार कैसे मिले उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। और अगर हम मोबाइल दे रहे हैं स्मार्टफोन, तो सरकार से जोड़ने के लिए दे रहे हैं। आप सीधा सीधा सरकार से जुड़ जाओगे, कोई ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान बहनें होंगी जिन्हें लैपटॉप मिला होगा, समाजवादी पेंशन मिली होगी, 108 से मदद हुई होगी, 102 एम्बुलेंस से मदद हुई होगी, समाजवादी पेंशन भी बड़े पैमाने पर दी होगी। इसलिए अगर लाभकारी लोग भी अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए देश का चुनाव भी है ये, सरकार बनाने वाला भी चुनाव है। हालांकि ये सड़क जो आपकी चौड़ी वाली है, ये एक तो औरैया फफूंद तो बनी रही है, लेकिन ये NH2 वाली जो आपकी चौड़ी सड़क है, इससे भी अच्छी सड़क हमने उधर बनाई है दूसरी तरफ। और इस पे चलने वाला वोट दे ना दे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो सड़क पे जो एक बार चल लेगा वो बिना समाजवादी पार्टी किसी को वोट नहीं दे सकता। इतनी शानदार बनाई है, और बताओ कैसी समझ है, पहले चौड़ी कर ली फिर चौड़ी करने लगे सड़क को। हमने तो एक ही बार इतनी चौड़ी बना दी, 100 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी सड़क को चौड़ा करने के लिए, और कोई एक्सीडेंट बहुत कम हो पाएंगे। यहाँ तो एक्सीडेंट भी होते हैं, एक्सीडेंट से बहुत जाने जाती हैं, इतनी लड़ाइयों में बीमारियों से लोग नहीं मरते जितने एक्सीडेंट से मरते हैं लोग। इसलिए लोगों को सुरक्षित चलने के लिए और सही ढंग से चलने के लिए अच्छी सड़क अगर किसी बनाई, हमने भी बनाने काम किया। इसलिए विकास को आगे बढ़ाएं, तरक्की खुशहाली के रास्ते पे ले जाएं। इन मदन गौतम की मदद कर देना, हम पूरी ईमानदारी से आपके मदद करेंगे, क्षेत्र का विकास कराने काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत